दोस्तों अगर आप भी केकेआर के फाइनल मैच में जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का फाइनल मैच जीती कोलकाता की टीम, तो आखिरकार इस पर दुनिया भर के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर से लेकर क्या बोले सभी, वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। और अय्यर रिंकू सिंह के लिए तो जो कहा है ना बीसीसीआई से बड़ी मांग करते हुए खिलाड़ियों ने, वो तो जाने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या सुरेश अय्यर को रोहित शर्मा की जगह भारतीय टीम का कप्तान T20 क्रिकेट में बना देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आखिरकार कोलकाता और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का रोमांचक मुकाबला इतिहास के पन्नों में शुमार हो चुका है, क्योंकि इस मैच में कोलकाता की टीम ने बड़ी जीत हासिल की। हुआ ये कि हैदराबाद की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। इस बीच हैदराबाद के लिए मात्र पैट कमिंग्स ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 24 रन की पारी खेली। बाकी एडन मार्करम ने 20 रन बनाए तो हेनरिक क्लासेन ने 16। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 120 के पार तो ये लक्ष्य है वैसे भी पहुंचने नहीं वाला था। अब दोस्तों यहां पर हैदराबाद के खिलाफ गेंदबाजी में आंद्रे रसल को जहां 3 विकेट मिले थे, तो मिचेल स्टार्क ने तो एक तरफा गेंदबाजी करवा के 2 विकेट लेकर हैदराबाद की टीम को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया था। और दोस्तों फिर जब कोलकाता की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो वेंकटेश अय्यर ने बिना सोचे समझे 26 गेंदों में 52 रन जड़ डाले और कोलकाता की टीम ने यहाँ हैदराबाद की टीम का पूरा मनोबल तोड़कर रख दिया और इस मैच को बड़ी आसानी से कोलकाता की टीम जीतने में कामयाब रही। और इस मैच में मिली शानदार जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आखिरकार आईपीएल 2024 का यह खिताब अपने नाम कर लिया। और इस ट्रॉफी को जीतने के साथ आखिर आईपीएल में कोलकाता के नए कप्तान सुरेश अय्यर ने बता दिया कि उनको पूरी दुनिया कमजोर मानती थी, वो आखिर ऐसे खिलाड़ी निकले जिन्होंने अकेले दम पर अपनी टीम को जिताने का दम रखा। अब दोस्तों यहाँ पर कोलकाता की टीम ने तो यह आईपीएल का खिताब जीत लिया, लेकिन हैदराबाद की टीम के अरमान टूट गए। तो दोस्तों यहाँ पर कोलकाता की फाइनल मैच में जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गज सामने आए और इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, मैं कोलकाता के लिए खुश हूँ कि वो आईपीएल का ये सीजन जीत पाए हैं, लेकिन एसआरएच की टीम भी इस बार कमजोर नहीं थी। हालांकि मुझे इस पूरे टूर्नामेंट में कोलकाता की तरफ से अय्यर की कप्तानी सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश हमेशा अपनी टीम को 100% जिताने के लिए की। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जो कहते हैं कि कोलकाता को ढेर सारी बधाइयां, उनकी टीम मैच जीती है। मेरा तो मानना ही है कि अब सुरेश अय्यर को भी आप T20 वर्ल्ड कप के लिए USA लेकर जाओ और अय्यर को हो सके तो कप्तान बनाओ, वो अच्छा कप्तान है, आपको हो सकता है कि वर्ल्ड कप भी जिता दे। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि सुरेश अय्यर की कप्तानी और रिंकू सिंह, मिचेल स्टार्क, वेंकटेश अय्यर और सुनील नारायण का कॉम्बिनेशन इस टीम को फुल पैक बनाता है और कोलकाता की टीम को बहुत सारी बधाइयां फाइनल मैच जीतने के लिए। और एसआरएच ने भी इस साल काफी अच्छा प्रदर्शन किया और होप करते हैं कि वो भी अगले साल विजेता बने। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में, वो निकल कर आता है रोहित शर्मा का, जो कहते हैं कि कोलकाता की टीम ने इस साल पूरी दुनिया को बता दिया कि उनसे ज्यादा मजबूत टीम आईपीएल में आज तक नहीं हुई है, क्योंकि इतनी आसानी से उन्होंने फाइनल मैच हैदराबाद की टीम को हरा कर जीता है। मुझे भी एक टाइम के लिए तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये फाइनल मैच चल रहा है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में, वो है विराट कोहली का, जब विराट कोहली ने भी काफी ढेर सारी बधाइयां कोलकाता की टीम को दी और उन्होंने भी कहा कि सुरेश अय्यर को हो सके तो आगे चलकर कप्तान T20 का बनाना चाहिए हार्दिक पांड्या की जगह। तो दोस्तों आप सभी क्या मानते हैं कि दिग्गजों ने जो कहा है, क्या बीसीसीआई को यह बात माननी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।